झाबुआ राज का नारा बुलंद कर सत्ता में आई झामुमो सरकार में आदिवासियों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। मसलिया प्रखंड के रानी घाघर पंचायत अंतर्गत तुड़का गांव में खराय टोले वासी इन दिनों पेयजल संकट से परेशान हैं। बताते चलें कि गांव में इस टोले में दो चपाकल हैं और दोनों ही खराब पड़े हैं। शिवदन हेब्रम के घर के सामने दो महीने व दरान हासंदा के घर के सामने स्थित चपाकल साल भर से खराब पड़ा है। ग्रामीण बाबुली टुडू रुसीलाल किस्कू दुर्योधन मरांडी ने बताया कि धोमना हरड़ बहाल बहु ग्रामीण जलपूर्ति योजना के तहत गांव में 5 घरों में कनेक्शन है, परंतु सप्ताह में एक ही दिन पानी नसीब हो पाता है। टोले के 25 परिवारों में करीब 150 लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। टोले की महिला तुड़का के अन्य टोले से 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पानी ला पाती हैं। बर्तन धोने व अन्य कार्यों के लिए तालाब व नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीणों ने विभाग व सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के लिए जमकर नारेबाजी की और चपाकल दुरुस्त कराने की भी मांग की है। मसलिया से केशरीनाथ यादव की रिपोर्ट। हमको दूसरा टोला 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है पीने का पानी, और बर्तन थाल बाटी धोने के लिए नदी जाना पड़ रहा है और तालाब जाना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग का एक समान आदमी नहीं है, कोई बूढ़ी है, कोई बुढ़ापा है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। इसमें हम लोग का जनप्रतिनिधि मुखिया भी इस सब समस्या का देखने नहीं आते हैं। जब एक बार मुखिया में जीते हैं उस समय हमको बोल रहा था आपका हर काम का समाधान करेंगे हम लोग, आपको चिंतित नहीं रहना होगा, तो वो भी नहीं आते हैं। दूसरा बात, हम लोग का विधायक बसंत सोरेन जी, वो लोग भी अपने जीतने के समय जब वोटिंग के समय जब आ रहे थे उस समय बोल रहे थे हर काम आपका हम देखेंगे, एक भी आपको समस्या में नहीं होने देंगे या पड़ने देंगे। हाँ, तो वो भी जीतने के बाद से एक भी दिन नहीं आया है किसी का दुख किसी का दर्द पूछने के लिए या अपना दर्शन के लिए भी नहीं आया।